Hello students, I am your English teacher Meenu from Happy Cambridge School. Today I will explain you lesson 3, the ultimate carving. The young man flung hammer and chisel to the ground and cried, "I am leaving, father. I am leaving you and this work. Look at his protest." And he spread out his arms and glanced distantly at the small congested workroom and slabs of stones and marble and stacked in one corner, and the cot covered with a pile of used cloths, and the paint of the walls, whitewashed walls, was stained by many monsoons. The window bare of curtains opened into a tiny backyard. After all these of the years, we have nothing. This kind of work just doesn't pay. अब क्या था इस लेसन में, यही बताया गया है कि शिल्पकारी के ऊपर जो मूर्ति कला होती है, जिसमें मूर्तियां बनाते हैं लोग, उसमें एक मूर्तिकार है, उसका बेटा है, वो क्या करता है, हथौड़ा और छेनी उठाकर फेंक देता है ग्राउंड पे, और वो बोलता है कि मैं ये काम भी छोड़ रहा हूँ और मैं आपको भी छोड़ के जा रहा हूँ। देखो ये कमरा दिखाता है जिस कमरे में वो होते हैं, उसके फादर भी होते हैं वहाँ, कि कितना यहाँ पर कितना छोटा सा रूम है, सारे स्टोन्स, गंदे कपड़े, एक चारपाई वगैरह, और उस रूम की हालत बहुत ही बुरी थी। सारी जो वॉल्स थी उसके ऊपर सारा वाइट वॉश जो हुआ था वो खराब हो चुका था। एक विंडो थी जो कि बिल्कुल बिना पर्दे के थी और पीछे बैकयार्ड की तरफ खुलती थी, और कहते कि इतने सारे सालों में हमें क्या मिला, इससे हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो ये काम छोड़ना चाहता है। द ओल्ड मैन स्टेयर्ड एट हिज सन, वो अपने सन को देखता है, बेटे को, बड़े हैरानी में। एंड ऑल दो द वॉइस हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, इट डजंट लूज इट्स यूजुअल जेंटलनेस, इट इज नॉट ओनली द मनी दैट मैटर सन, इट इज द सर्विस एंड अवर सर्विस टू गॉड। अब वो बूढ़ा आदमी जो है उसे समझाने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि बेटा सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये हमारी जो सेवा है, ईश्वर के प्रति सेवा है ये। फादर द यंग मैन ग्रंटेड, वो फिर गुस्से से बोलता है, बेसब्र होकर बोलता है, टाइम्स हैव चेंज, वो कहता है कि बेटा कहता है कि टाइम चेंज हो गया है, स्टोन मेसन्स जो हैं, जो मूर्तिकार हैं, वो सब ये काम बदल चुके हैं और वो स्कल्पचर्स नहीं बनाते हैं टेम्पल्स के लिए मूर्तियां नहीं बनाते हैं, और वो सब जो हैं आगरा चले गए हैं और हम भी चलते हैं। मतलब उसका ये कहना अपने पिता को कि वो भी चलें। तो जो बूढ़ा आदमी है वो बड़ी मुश्किल से बोल पाता है, नो माई सन, दिस इज द वर्क आई लर्न फ्रॉम माई फादर एंड ही लर्न फ्रॉम हिज फादर, वी हैव केप्ट दिस ट्रेडिशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एंड आई होप्ड यू वुड कंटिन्यू अवर वर्क। तो वो ये कहते नहीं बेटा कि ये जो ट्रेडिशन है ये हम, मेरे पिता ने अपने पिता से सीखा और उन्होंने उनके पिता से सीखा, और ये मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम मेरे से सीखो, ये हमारी परंपरा को तुम आगे बढ़ाओ और इसे खत्म ना होने दो। तो वो यंग मैन क्या कहता है, नहीं, मैं, वो बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कहता है कि नहीं, ये जो है इससे हमें, ये पैसा जो है ऐश रेज और प्लेट्स और टूरिस्ट के लिए बनाने में, उसमें पैसा ज़्यादा मिलेगा, मैं इस काम को कर करके थक गया हूँ, क्योंकि जो श्रीनगर के टेम्पल्स की जो कमेटी है, मतलब जो लोग हैं वो जो टेम्पल में मूर्तियाँ बनाने के बदले में उनको जो बहुत कम पैसा मिलता था, और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग। द यंग मैन स्कॉन्ड, यंग मैन जो है वो बाहर निकल जाता है, और फिर क्या होता है, और उसके फादर जो हैं वो बेचारे झुक कर बैठ जाते हैं उस एक मार्बल के स्टैचू के आगे जो कि अभी पूरा नहीं हुआ था, और शायद वो फ्यूचर में बहुत अच्छा शानदार एक स्टैचू बनने वाला था, और अपने हाथों को अपनी गोदी में रख देते हैं और अपनी आँखें बंद कर लेते हैं और प्रे करने लगते हैं। और इतने में एक उनको कॉल सुनाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है दरवाजे से किसी के आने की, और वो चुपचाप बिना हिले बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं क्या टाइम हो गया, क्या समय हो गया, वो कहाँ बैठे हैं। तो क्या आवाज़ आती है, मास्टर जी, कॉल्ड सलीम आवाज़ देता है, एक सर्वेंट है जो कि वर्कशॉप में एंटर करता है बिना चप्पल के,
बिना पैरों के, मतलब वो विदाउट शूज अंदर आता है, और ही हेल्ड आउट, उसके हाथ में एक ग्लास है जो कि चाय से, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, वो उनके लिए चाय लेके आया है और उनको पिलाना चाहता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज रीड द लेसन केयरफुली। थैंक यू।